बस हम 1 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं, और भी पार्टिसिपेंट्स हों तो ऐड हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट कर देते हैं, अभी पार्टिसिपेंट्स आते रहेंगे, कोई इशू नहीं है। सरला मैम, आपको मेरी स्क्रीन पूरी शेयर व्यू हो रही है? सरला मैम, ऑडियो आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है आप तक? हेलो, हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ऑटोमेट योर ईबे बिल एंड इनवॉइस जनरेट। मतलब आप डायरेक्ट टैली से ही कैसे अपने ईबे बिल को और इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं। क्या ये इतना इजी है ईबे बिल बनाना टैली से या इनवॉइस बनाना? तो आज के हम सेशन में यही सब चीज़ें चेक करते हैं, क्या क्या इनमें एरर्स आते हैं, क्या क्या हमारे लिए थोड़े चैलेंजेस हैं कि इसको हम इजी टू यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, कि हम पहले से अपना डाटा उतना अच्छे से प्रिपेयर करके रखें कि जब हम इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं या ईबे बिल भी जनरेट कर रहे हैं सिंपल, तो हमें कोई एरर ना आए उस चीज़ में, हैंड टू हैंड हमारे सारे बिल सब कुछ रेडी होते हुए चले जाएँ। जैसे आप सब लोग टैली तो यूज़ कर ही रहे होंगे, कंपनी बनाना आपको आता ही होगा। नहीं आता तो यहाँ पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन होता है, यहाँ पे अपनी सारी डिटेल डाल के रिकॉर्ड कर सकते हैं। सर, यहाँ पे हम अपनी सारी डिटेल डाल के सारी चीज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक छोटा सा बिल बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हों। बिल पे हम आए, सेल्स का बिल हमने ओपन किया, पहला नंबर हमारा बिल है। रेफरेंस नंबर, डेट अगर आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। पार्टी अकाउंट, पार्टी अकाउंट में हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि आपका जो बिल है वो कभी मिसमैच या रिजेक्ट ना हो, क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है? सबसे पहला, पार्टी का एड्रेस होना चाहिए, स्टेट डला होना चाहिए, पिन कोड डला होना चाहिए, और सामने वाली पार्टी का जीएसटी नंबर होना चाहिए अगर आप इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं तो। इनवॉइस सिर्फ उन्हीं के लिए होता है, सामने वाली पार्टी के पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। बी टू बी ट्रांजेक्शन में ही सिर्फ इनवॉइस एप्लीकेबल है। ईबे बिल के लिए आप बिना जीएसटी नंबर, जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है उनके साथ भी आप ईबे बिल जनरेट कर सकते हैं सामने वाले, क्योंकि ईबे बिल हो गया सिर्फ आपके गुड्स मूविंग के लिए, बट इनवॉइस क्या है, सामने वाली पार्टी के पास भी जीएसटी नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या तीन चीज़ें देखी, आपका स्टेट डला होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, पिन कोड डला होना चाहिए। तो ये मेन चीज़ें हैं, जो नहीं होंगी तो आपको बाद में परेशानी नहीं होगी, बिल आपके रिजेक्ट नहीं होंगे। सेलेक्ट किया, यहाँ पे जो भी आप अपनी डिटेल्स डालना चाहते हैं फिल कर दीजिए। मैं इसको इनवॉइस मोड में कर लेते हैं। वैसे हाँ, अकाउंटिंग और इनवॉइस दोनों में आपका ये बिल बन सकता है,
ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ आइटम इनवॉइस में अपना इनवॉइस बनाएंगे, अकाउंटिंग इनवॉइस में भी बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आपकी बिलिंग यहाँ से शिपिंग कहीं और है तो वो एड्रेस भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। सेल्स हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास एक आइटम है, वो हम जनरेट कर रहे हैं। क्वांटिटी डाल दी हमने 1200, रेट डाल दिया इसका 1000। स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको ऑप्शन शो हो जाए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है वो बीच में मेरे को रोक के उसी टाइम में अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होता जाए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा कोई सेशन नहीं है तो आपके पॉइंट्स हैंड टू हैंड क्लियर होते जाएँ तो ज़्यादा बेटर है। ये हमने नॉर्मल अपना बिल स्टार्ट कर दिया जो हम आज तक बनाते हुए आ रहे थे, हमने कोई इसमें ईवे बिल नहीं किया, कुछ इनवॉइस नहीं किया, आज तक जैसे हम बिलिंग करते हुए आ रहे थे वही हमने यहाँ पे रेडी कर लिया। बट आज का सेशन है ईवे बिल और इनवॉइस के लिए, तो वो ऑप्शन मिलेगा कहाँ पे, आएगा कहाँ से? मैं नॉर्मल इस बिल को सेव कर लेता हूँ, ठीक है। बैक आया, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कंपनी का, ऑल्ट के करके, अगर आप फीचर्स में जाते हैं, F11, यहाँ पे आपको कीवर्ड भी दिया हुआ है, तो अगर आप अपने कीबोर्ड में से F11 प्रेस करेंगे तो भी आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। आपको आना है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे, यहाँ से आपने ऑप्शन को यस किया। यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन है, इनवॉइस भी है एंड ईवे बिल भी है। इनवॉइस क्या, जब भी आप ये इस पे एप्लीकेबल हो रहा है, 1 अप्रैल डाल देते हैं, इनवॉइस बिल फ्रॉम प्लेस, प्लेस डाल दिया आपने, दिल्ली ही कर दिया, नॉर्मल आप कोई भी अपनी दिल्ली में कोई भी जगह का नाम भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ईवे बिल भी यस कर दिया, कब से एप्लीकेबल है, इंटरस्टेट इंट्रास्टेट दोनों पे एप्लीकेबल रहेगा ही रहेगा, सामान तो आपका बाहर भी जाना ही जाना है। यहाँ से इसे हमने अपडेट कर दिया। अब कुछ लिमिट्स भी आती हैं ईवे बिल में, अगर आप डालना चाहते हैं अपने एंड पे तो वो भी मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ। हमें कभी भी अपना GST रेट या HSN कोड यहाँ पे डिफाइन नहीं करना है, नॉट डिफाइन ही रहने दीजिएगा। हमने यहाँ पे इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों लिमिट हमारे पास हैं 50-50,000 की, वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है। हमारी जो इनवॉइस और ईवे बिल दोनों ऑप्शन इनेबल हो चुके हैं, तो अब हमारे हमने जो बिल बनाया था उसके ऊपर हमारा वो ऑप्शन आना चाहिए था। अभी हम उस बिल को चेक करेंगे। देखिए हमारे पास प्रोवाइड ई वे बिल एंड ई इनवॉइस डिटेल दोनों हमारे पास अवेलेबल हो चुके हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए ताकि रिजेक्ट ना हो, सबसे पहला आपका सब टाइप, आपकी सप्लाई है, जॉब वर्क के लिए दे रहे हैं आप, कोई अदर काम के लिए दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे फिल करना है। इसको नॉट एप्लीकेबल करके अगर आप छोड़ोगे तो आपका वो एरर आएगा आएगा। डॉक्यूमेंट टाइप कैसा है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, कोई चालान बना रहे हैं आप, टैक्स इनवॉइस है, टैक्स इनवॉइस सेलेक्ट कर लिया, पिन कोड यहाँ डला होना चाहिए, स्टेट डला होना चाहिए, सब कुछ, ट्रांसपोर्टर नेम एंड आईडी। अगर आपके पास पहले से सिलेक्टेड है तो मैं इसको आपको एक बहुत बढ़िया से सॉल्यूशन दिखाता हूँ कि अगर लिस्ट रेडी हो जाएगी आपके पास। क्रिएट मास्टर में आए, लेजर किया मैंने, एक ऐसी डेमो बना दिया। हमारे पास एक नहीं ऑप्शन आता है कि हम डायरेक्ट इसको एज अ ट्रांसपोर्टर हमने यहाँ पे यस कर देते हैं, यहाँ पे इसकी जो भी आईडी वगैरह है यहाँ पे फिल कर देंगे हम। जब भी हम ईवे बिल बनाएंगे तो हमारे पास ये ऑलरेडी ना लिस्ट में होगा, हमें पे फायदा है कि हम पहले से अगर बना के चल लें तो, अगर हम ईवे बिल के लिए हम पहले से अपने सारे ट्रांसपोर्ट की लिस्ट बना के चले तो हमें यहाँ नेम आईडी डालने की जरूरत नहीं, जैसे ही हम यहाँ ट्रांसपिक करेंगे वो आईडी भी पिक कर लेगा उसकी, तो हमारे पास कितना मतलब टाइम सेविंग हो जाएगा, हमें कोई जाके वहाँ ढूंढना नहीं है कि किसका ट्रांसपोर्टर आईडी है क्या है, कुछ नहीं, हैंड टू हैंड मिल जाएगा आपको। हाँ दो बातें, अगर आपके पास ट्रांसपोर्टर नेम आईडी है और आपको ये नहीं पता है कि आपका कोई व्हीकल नंबर है या नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो इसको नॉट एप्लीकेबल ही रहने देना। आपको यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये रेल के थ्रू जा रहा है, रोड जा रहा है, बाय एयर, कैसे भी जा रहा हो,
आपको सिलेक्ट नहीं करना है। जब तक आपके पास गाड़ी नंबर नहीं है या रेल नंबर या एयरशिप या शिपिंग नंबर नहीं है, तब तक आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ही रखेंगे। इन केस है तो आप यहाँ रोड सेलेक्ट करके अपना गाड़ी नंबर डाल के यहाँ रेगुलर कर सकते हैं। नहीं है, हम इसको नॉट एप्लीकेबल ही रहने देते हैं। बिल टू प्लेस और शिप टू प्लेस, ठीक है। ई वे बिल का पार्ट हमारा ख़त्म हुआ, हमने उसमें देख लिया कौन कौन सी चीज़ें हमें रखनी है, कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं रखनी है, ठीक है। अब आया इनवॉइस डिटेल, एक्नॉलेजमेंट नंबर। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि अभी तक जैसे ही जब से इनवॉइस आया है, सर ये एक्नॉलेजमेंट नंबर तो है ही नहीं हमारे पास, हम भरेंगे कहाँ से? आयरन नंबर भी नहीं, हम भरेंगे कहाँ से? सर ये सारी चीज़ें तो हमको मिलेंगी, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगी। हमें क्या करना है, बस थोड़ी सी डिटेल फिल करनी है ताकि वो सब कुछ ऑटोमेटिक जनरेट हो जाए। बिल टू प्लेस, सामने वाली पार्टी का मतलब प्लेस कौन सा है, आप जो भी डालना चाहते हो, हम दिल्ली डाल दे रहे हैं। वो शिपिंग कहाँ पे करा रहे हैं, मुंबई, गुजरात, कहीं पे भी करा रहे हैं, उस जगह के स्टेट डाल दो या जगह का कोई नाम है तो वो डाल दो आप। अभी हम दिल्ली डालें, हम सिर्फ स्टेट डाल के छोड़ दें। इसके अंदर कोई भी आपका क्या कहते हैं किलोमीटर या बाकी चीज़ें कोई नहीं पूछता है इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने बिल एक्सेप्ट किया, हमारे पास एक ऑप्शन आया, डू यू वॉन्ट टू सेंड वाउचर डिटेल फॉर इनवॉइस एंड ई वे बिल जनरेशन। यहाँ पे भी कुछ लोगों का क्वेश्चन आएगा, अगर हमें सिर्फ इनवॉइस जनरेट करना हो तो क्या करेंगे, और सिर्फ ई वे बिल जनरेट करना हो तो क्या करेंगे? दोनों चीज़ें हो सकती हैं, उसके लिए भी हम आगे अभी बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए अभी हम देखते हैं हमारे पे क्या क्या ऑप्शन है। एरर आ गया जी, हमने कोई ना कोई चीज़ें यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हमने गलत फिल किया होगा, तो इन सब एरर्स की चेकिंग कहाँ होगी? सबसे मेरे हम आज का हमारा सेशन इसीलिए है, ई वे बिल इनवॉइस तो नॉर्मली बिल पिक करके सब बना ही रहे हैं, लोगों को एरर्स में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि एरर रिजॉल्व कैसे होते हैं। ऑल्ट जी, ई वे बिल की रिपोर्ट में है अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, ठीक है, एंट्री की, कुछ ना कुछ हमने मिस किया होगा कहीं ना कहीं। एच एस एन कोड जो डाला है, इन्हें देखो कहाँ तक, मतलब आइटम के अंदर कहाँ पे डाला था हमने, बाहर कुछ में डाला हो, उन्होंने वहाँ पे चेकिंग कर लिया हमारी। एच एस एन कोड जो डाला है वो गलत है। अब आइटम के अंदर करेक्ट एच एस एन, फिलहाल अभी तो मुझे कोई एच एस एन याद नहीं है, मैंने डाल दिया, फिर भी आप जो भी एच एस एन डालेंगे वो करेक्ट होना चाहिए, वरना आपको ऐसे एरर दिखते रहेंगे, ठीक है। एरर अगर आपने चलो मान लीजिए रिजॉल्व भी कर दिया है, रिजॉल्व करने के बाद वो आपके पास जाएगा एक्सचेंज के अंदर। हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एक्सचेंज का, दोनों ऑप्शन है, अगर सिर्फ ई वे बिल रिजेक्ट हुआ है तो ई वे बिल में चेक कर लीजिए, इनवॉइस हुआ है तो इनवॉइस चेक कर लीजिए। हम अभी सेंड फॉर ई वे बिल में जाएंगे तो हमें वो बिल यहाँ पे शो हो जाएगा, जैसे ही आपका वहाँ से एरर रिजॉल्व होगा वो बिल यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कोई बिल सिलेक्ट नहीं करना, यहाँ से डायरेक्ट आप सेंड करोगे, डायरेक्ट ई वे बिल के पोर्टल पर फैच करेंगे, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो अभी तक मैंने जो बताया तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब दो क्वेश्चन जो मैंने बीच में छोड़े थे कि सिर्फ इनवॉइस बनाना हो तो क्या करें और सिर्फ ईवे बिल बनाना हो तो क्या करें, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पार्टी है कोई, अभी मैं यहीं पे चेंज कर देता हूँ, मैं एक नया बिल बना के देख लेते हैं हम यहाँ पे। डेमो सेल्स आइटम हमने सिलेक्ट करी, वो हमसे यहाँ पे इनवॉइस पूछ ही नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमने पार्टी सिलेक्ट करी है ना वो अनरजिस्टर्ड है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी अनरजिस्टर्ड का इनवॉइस नहीं बनेगा, ठीक है। अभी हमने जो बिल बनाया हुआ था, अब इसके अंदर हमें अगर इनवॉइस बनाना हो, ई वे बिल बनाना ना हो, चलो ठीक है, हम इसका अमाउंट कम करके देख लेते हैं। अब तो इसका ई वे बिल बनना नहीं चाहिए, या सिर्फ ई वे बिल बनाना, इनवॉइस नहीं बनाना, दोनों चीज़ें हैं हमारे पास।
अगर हमें इस बिल का ईवे बिल नहीं बनाना है सिर्फ इस बिल के लिए, तो हम क्या करेंगे, F12 में आएंगे। एक हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे, दो सेंड ईवे बिल डिटेल विद इनवॉइस, इनवॉइस के साथ भेजने नहीं, और जब वो सेव हुए तो वो हमसे पूछे ही ना कि ईवे बिल बनाना है या नहीं, हमने इसको यहाँ से नो कर दिया। तो जैसे हम बिल को एक्सेप्ट करेंगे, हमसे उसने पूछा गया सिर्फ डू यू वॉन्ट टू जनरेट इनवॉइस। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर सामने वाली पार्टी रजिस्टर्ड है तो आप इनवॉइस को डिनाई नहीं कर सकते, आपको बनाना ही पड़ेगा रजिस्टर है तो। उसके लिए हम F11 में, F12 में जाके ऐसे ऑप्शन नो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमें सिर्फ इनवॉइस बनाना है, ठीक है। हमने पूरे बिल को एक्सेप्ट किया, यस किया, इसमें भी कुछ ना कुछ आ रहा है, क्योंकि मैंने आइटम के अंदर जो HSN डाला है वो गलत है। तो आप सारी चीज़ें अगर करेक्ट डालते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर। इनवॉइस की रिपोर्ट में देख लेते हैं, सेम एरर है, HSN का ही एरर है। और भी इसमें एरर्स आते हैं, मैं एरर्स आज हम एरर्स के ऊपर ही बात करते हैं, वरना इनवॉइस तो हर कोई जनरेट कर ही रहा है, मेन प्रॉब्लम सबको एरर्स में आती है। कुछ लोगों को ईवे बिल में ये प्रॉब्लम आती है कि वो डिस्टेंस कैलकुलेट करने में रहता है, कि सर बार बार पोर्टल पे जाओ डिस्टेंस कैलकुलेट करो, यहीं पे कोई बटन हो जो हमें डायरेक्ट पोर्टल पे ले जाए, ओपन ना करना पड़े कुछ भी हमें। तो ये कैलकुलेट डिस्टेंस ऑन पोर्टल, ऐसे क्लिक करोगे आप, आपको डायरेक्ट पोर्टल पे ले जाएगा, वहाँ पे आप अपना जो भी पिन कोड है फिल करोगे, आपको किलोमीटर वहाँ पे दिख जाएगा। लोडिंग हो रही है, ई वे बिल की साइट अक्सर स्लो चलती है, जैसे इग्नोर कर दें हम इसे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे आपका क्या कहते हैं कैलकुलेट हो गए दिख जाएगा कि कितना डिस्टेंस है, और यहाँ पे यहाँ पे आके आप फिल कर सकते हैं। अगर ट्रांसपोर्टर आईडी गलत है तो प्लीज़ चेक कर लीजिए, आईडी भी गलत हो सकती है कभी कभार। जैसे अगर हमने यहाँ पे एंड में सेलेक्ट किया तो इसके आगे भी स्पेस हो सकता है, तो उसकी वजह से एरर आ जाए, ठीक है। हमने समटाइम्स क्या होता है, पार्टी यहाँ पे क्या कहते हैं सेलेक्ट करी हुई है, लेकिन यहाँ पे पिन कोड पिक नहीं किया उसका, क्यों, जब हम बिल बना रहे थे, हमने एक बार बिल बना दिया, फिर हमने कस्टमर यहाँ पे सेलेक्ट किया, पहले तो पिन कोड नहीं डला हुआ था, लेकिन हमने चेक किया कि पिन कोड का एरर है, तो हमने यहाँ पे आके फिल कर दिया, बट वो हमारा फिर भी अभी एंट्री में अपडेट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नहीं डला हुआ, इस स्क्रीन पे नहीं डला हुआ। अगर वो इसी स्क्रीन पे नहीं है आपका पिन कोड, तो वो एंट्री में नहीं आएगा आपको। हमने इसको यस किया, एंट्री में आप जरूर यहाँ चेक कर लीजिए, अगर ब्लैंक है तो उसको यहीं से फिल कर लीजिए। तब वो पिन कोड का भी एरर नहीं दिखाएगा आपको। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, आकाश जी आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आप ई वे बिल के रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो अभी तक, क्योंकि है बहुत छोटी छोटी चीज़ें, इनके एरर्स ऐसे रहते हैं, जैसे पिन कोड नहीं डाला, किलोमीटर नहीं डाला हमने, और स्टेट सेलेक्ट नहीं किया, समटाइम्स हो जाता है। एंड इनवॉइस में समटाइम्स क्या होता है कि आप F12 करके चेक करेंगे तो यहाँ पे कई बार स्टेट सेलेक्ट नहीं होता है, तो मतलब जब आपने बिल बनाते टाइम भैया ड्यूरिंग द एंट्री अगर आपने स्टेट वहाँ पे नहीं डाला हुआ, अपनी कंपनी के अंदर ही स्टेट नहीं डाला हुआ, तो वो यहाँ पिक नहीं करेगा एंट्री करने के बाद भी, अगर आप उसको रिजॉल्व कर देते तो भी नहीं होगा, आपको एंट्री में आके यहाँ मैनुअली डालना पड़ेगा पहले स्टेट अपना। तो ये ऐसे छोटे मोटे एरर्स होते हैं जो कि हमें ई इनवॉइस या ई पे बिल बनाने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, बट आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ऑल्ट जी प्रेस करा आपने, शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, ई पे बिल प्रेस कर दीजिए, सीधा आपको ना एरर पे ही लेके जाएगा कि मेरा एरर क्या है, कट कट बताएगा भी कि एरर क्या है, ये नहीं कि सिर्फ बता देगा कि एरर क्या है, लिखा हुआ आएगा कि किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम है, HSN में दिक्कत है, स्टेट में दिक्कत है, किलोमीटर, ट्रांसपोर्टर आईडी, सारी चीज़ें दिखाएगा वो आपको। अगर इसका HSN ठीक होता तो लास्ट में हमसे पूछ लेता कि अब अपना जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है वो आप डालिए और अपना आगे कंटिन्यू कीजिए। हाँ, अब एक मेजर पॉइंट कि क्या वो पोर्टल के ही ई वे बिल आईडी पासवर्ड से बन जाएगा इसके अंदर,
या पोर्टल का ही कोई इनवॉइस का आईडी पासवर्ड होगा, उससे इनवॉइस बन जाएगा टैली में, ऐसा कुछ नहीं है सर। अगर आपको बनाना है तो या तो आप अपने सीए से कांटेक्ट कर लीजिए, गवर्नमेंट का पोर्टल है जो ई वे बिल का और इनवॉइस का, उस पर जाके ही रजिस्ट्रेशन किया जाता है। या तो मैं लास्ट में भी अपना नंबर टाइप कर दूंगा नोट पैड पर, आप सब लोग नोट कर लीजिएगा, आपको कभी भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि हमारी कंपनी में भी ये नंबर अभी आप चेक कर सकते हैं, कंपनी में नंबर दिया हुआ है, तो इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको अगर यूज़र जनरेट करवाना है तो। एपीआई रजिस्ट्रेशन कैसे करें सर? उसके लिए हम वन टू वन अगर कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर ज़्यादा बेटर रहेगा आकाश जी, क्या है कि उसमें आप ही का क्या कहते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड मेरे को पोर्टल का चाहिए होगा उस टाइम। अभी तो हम उसको एज ए ओपनली शेयर नहीं कर सकते हैं जी। आप नंबर ले लीजिए, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, इनकेस कभी आपको टैली में और भी कोई प्रॉब्लम आती है ई वे बिल इनवॉइस हटा के आप बता दीजिएगा, हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे इसके रिगार्डिंग। और जितने भी लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं, ये वेबिनार में हैं, शेयर कर रखा है, आप कभी भी आपको टैली में कोई भी प्रॉब्लम आती है, ये मेरा नंबर है नीचे, आप सेव कर लीजिए सभी, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे से। मैं इसको भी यहाँ पर साइड में छोड़ देता हूँ। और इसमें क्या एरर्स आ सकते हैं? ठीक है, कुछ लोगों के क्वेश्चन अगर मैं देखूं, अगर आते हैं मेरे पास तो, बिल बनाते टाइम उन्होंने जो जीएसटी रेट और एचएसएन होता है वो यहाँ पे ना, वो कुछ लोग होते हैं यहाँ पे पुट कर देते हैं कि हमारा एचएसएन ये है, हमारा जीएसटी रेट ये है। ठीक है, अब आपके पास अब मल्टीपल आइटम्स हैं, वो पिक क्या करेगा? जो यहाँ पे आपने एचएसएन डाल रखा होगा, जो एचएसएन रेट डाल रखा होगा, जो टैक्स रेट डाला होगा और जो एचएसएन डाला होगा, वो वही वाला पिक कर लेगा, आपके बाकी आइटम से उसे कोई लेना देना नहीं रहेगा, तो भी आपका एरर में आ जाएगा, या बिल बन जाएगा वो गलत बन जाएगा, फिर उसको कैंसिल करो, पहले ई वे बिल कैंसिल करो, फिर ई इनवॉइस कैंसिल करो। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी आपका ई वे बिल और ई इनवॉइस जनरेट होता है, अगर आपको कैंसिल करना है तो सबसे पहले ई वे बिल कैंसिल होगा, फिर इनवॉइस कैंसिल होगा, उसके बाद जाके टैली में आपने जो एंट्री की हुई है ये कैंसिल होगी। तीनों चीज़ें कैंसिल करने के बाद ही आप नेक्स्ट बिल बनाएंगे अपना, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, पहले इनवॉइस या पहले बिल को कैंसिल मत कीजिएगा, आगे बहुत दिक्कत होगी, आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा उस केस में, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। और आप सेपरेट सिर्फ ई वे बिल, ये भी नहीं है ज़रूरी कि आप ई इनवॉइस और ई वे बिल एक साथ ही बनाएं, आप अपना ए पी आर रजिस्ट्रेशन जैसा आकाश जी ने पूछा, आप ई वे बिल के लिए भी सिर्फ करा सकते हैं, सिर्फ ई वे बिल बनाना है, इनवॉइस से उनका कोई लेना देना नहीं है। ई इनवॉइस सिर्फ वही बनाते हैं जिनकी 5 करोड़ से टर्न ओवर अबव है, जो उनसे नीचे हैं, जो छोटे लेवल के बिजनेसेस हैं, जो भी 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ पे हैं, वो भी अपना इजिली एक्सेस कर सकते हैं, हालांकि छोटे तो नहीं हैं, काफ़ी बड़े लेवल पे ही है, वो भी अपना ई वे बिल, सिर्फ ई वे बिल जनरेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। एक और चीज़, जैसे अगर आप बिल बना रहे हैं, आपने इसी जैसे सेलेक्ट किया, नहीं हुआ हमारा यहाँ पे, ऑटोमेटिक नहीं आया, आपने मैनुअल डाल दिया जी, अब एरर आएगा वो, अब वो मिसमैच का एरर दे देगा कि भाई टैक्स रेट तो सही पिक हुआ ही नहीं है, टैक्स सही पिक हुआ ही नहीं है, वो उसका भी एरर दे देगा। रिजॉल्व कहाँ पे होगा? ऑल्ट जी गो टू पे आएंगे हम, ई इनवॉइस का एरर है ई इनवॉइस में, ई वे का एरर है ई वे में, एरर तक आपको लेके जाएगा, जो भी रिजॉल्व करना है यहीं पे आकर रिजॉल्व करें। कभी भी मैनुअल आपने अगर टैक्स डाला हुआ है तो उसके अंदर आपका ई इनवॉइस या ई वे बिल जनरेट नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? आकाश जी आपका और कोई क्वेश्चन हो, अगर आप वन टू वन कनेक्ट होके करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, वन टू वन कनेक्ट हो जाएंगे, एक बार नंबर मेरा आपके पास आ ही गया है।
अगर आपको थोड़ा और कुछ जानना हो इसके बारे में तो अगर आप बता सकते हैं। अभी आपने अगर पहले पोर्टल से बनाने में क्या क्या आपको इश्यूज़ आ रहे थे, अभी अगर टैली से हो जाएगा तो आपका कहाँ कितना टाइम सेविंग होगा, काफ़ी टाइम सेविंग होता है। आप यहाँ पे पहले ई वे बिल की सारी डिटेल डालते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं यहाँ से बिल एक्सपोर्ट करते हैं, पहले होता था, काफ़ी लोग बनाते थे, फिर उसको पोर्टल पर जाके अपलोड करते थे, फिर वहाँ से प्रिंट लेते थे, काफ़ी टाइम जाता है उसमें। यहाँ पे क्या आपका फ़ायदा है, यहीं पे डिटेल डाली और यहीं पे जनरेट करके प्रिंट भी यहीं से ले लिया आपने, यहाँ तक कि प्रिंट का भी ऑप्शन टैली के अंदर ही है, कहीं अलग जाने की ज़रूरत ही नहीं है उसके अंदर। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप बताइए, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूँ। ऐसा कोई क्वेश्चन जो टैली के रिगार्डिंग अभी आपको यहाँ पूछना हो, चलो हम ई वे बिल इनवॉइस से हट जाते हैं थोड़ा सा, कुछ अगर आपको पूछना हो काजी। नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो हमारा सेशन हम आज यहीं पे क्लोज करते हैं। आपको टैली के रिगार्डिंग, ई इनवॉइस, ई वे बिल, आगे टैली में क्या क्या नई नई अपडेट्स आती हैं उसके रिगार्डिंग अगर आपको जानना है तो प्लीज़ ये मेरा नंबर मैंने दे दिया स्क्रीन पे, आप ज़रूर कांटेक्ट करें मेरे से। ओके, थैंक यू।